इन पांच राशियों के लिए अशुभ रहेगा दीपावली का अगला दिन, पड़ेगा सूर्य ग्रहण का साया, जानिए क्या रहेंगे प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यह भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी माना जाएगा। इसके साथ ही यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इन पांच राशियों के लिए शुभ नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी पांच राशियां हैं जो इस बार सूर्य ग्रहण से प्रभावित होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा, इन जातकों को सावधान रहने की जरूरत है, सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए इस राशि के लोग अपने हेल्थ का खास ध्यान रखें। कन्या राशि, कन्या जातकों के लिए भी ये वाला सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा। जिन लोगों का व्यापार विदेश से जुड़ा है उन्हें इस समय बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। कुछ भी बड़ा फैसला या निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ कर लें, इन जातकों का खर्चा बढ़ेगा। मिथुन राशि की बात करें तो इन लोगों की नौकरी में बदलाव हो सकता है जो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, यह बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेने का समय है, इन जातकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तुला राशि, सूर्य ग्रहण के समय सूरज तुला राशि में होगा, इसीलिए तुला राशि पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इन जातकों को कुछ कीमती वस्तु खोने का डर होगा, इसीलिए ये सावधानी बरतें। धनु राशि की बात करें तो इन लोगों को भी सूर्य ग्रहण के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, इन जातकों को पैसों के मामले में परेशानी हो सकती है, बहुत सावधानी से निवेश करें, कर्ज के लेन देन से बचें। तो ये थे कुछ राशियां जिन पर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने उन राशियों के बारे में बताया है जिन पर इस सूर्य ग्रहण के अशुभ नहीं बल्कि शुभ प्रभाव पड़ेंगे। क्या है सूर्य ग्रहण का समय, आइए ये भी जान लेते हैं। 25 अक्टूबर ग्रहण दोपहर 4:29 पर शुरू होगा और शाम 5:42 पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी ग्रहण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों।